प्रशासन भगा देता है, तुरंत बोलता है जाओ 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 इधर से जाओ। उन लोग को पैसा मिलता है खाने को, बिके हुए हैं उनसे, गुलशन शेख से, गुलशन शेख ने खरीद रखा है उन लोग को, तो क्या सुनेंगे हम लोग? कौन सा कास्ट हो रहा था? हमने बोला हिंदू है, फिर कौन सा कास्ट हो? हमने बोला कि हम चमार है, इसीलिए निजा साला हिजड़े लोग गंदगी फैला रहे, इसको मारो मारो। आए 15-20 जन, हमको वहाँ सट रहे, उधर भी सब खून खून होता, हमको ऐसे बाल पकड़ पकड़ घिसा घिसा पे उतर जाएंगे तो ना पुलिस को सुनेंगे ना किसी कार्रवाई को सुनेंगे। हम लोग अपने से उतर के उनका हम इलाज करेंगे। वो मार देती है अपने आप को, ब्लेड मार के, चाकू मार के अपने आप को वार करके चले जाती है, कंप्लेन करके आती है, बोलती है देखो मुझे भी। 4 बजे से 7:30 बजे तक कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। जो टॉर्चर कर रहा है घड़ी घड़ी, गुलशन शेख थे कि नहीं थे, मैं घड़ी घड़ी वही बता रही हूँ कि है तो कितना मीटर पे थे, ये सब मतलब अदालत बनाए हो पुलिस चौके तो एफ आई आर लो, अदालत नहीं ना है, ऐसे करके आए, मैं एफ आई आर छोड़ के चली आई। इंसाफ चाहिए उसको, गंजा धंधा अफीम चरस बंद करवाइए मेरे एरिया से, उस जगह से हटवाइए। जात नहीं है मुझे, कोई हिंदू कोई मुस्लिम से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम डोम का भी घर से खाती हूँ और करोड़पति के घर से भी खाती हूँ, फुटपाथ वाला के घर से खाती हूँ, हमारा कोई धर्म नहीं है। मगर उसने धर्म नहीं लेके करती है, बेच बेच के पूरा एरिया बर्बाद करके रखी है, पूरा आजू बाजू में बर्बाद करके रखी है। किसी का नहीं सुनेंगे हम तो, कोई जात नहीं है। हाँ जात हूँ ठाकुर के, किन्नर समाज को बिटोरेंगे, अफिन हम अपना वाली करेंगे। धानीबाग के रसद कंपाउंड का एक चर्चित नाम गुलशन शेख, इस महिला की दबंगई से आज किन्नर समाज भी हुआ परेशान। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। नाला सुपारा पूर्व के धानीबाग में एक रशीद कंपाउंड नाम का परिसर है, इस परिसर में ही ये महिला रहती है जिनका नाम गुलशन शेख बताया जाता है। जानकारी के अनुसार ये महिला नशीले पदार्थों की बिक्री करती हैं, ड्रग्स जैसे चीज़ों को ये बेचती हैं, और जिसके चलते स्थानीय बताते हैं कि वहाँ जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो भी ड्रग्स इनके पास से खरीदते हैं, ये उन्हें बेचती हैं और उसके बाद वो भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसके चलते धानीबाग के परिसर का जो यूथ है उसका भविष्य काफ़ी अंधकार में जा ही रहा है। बता दें आज सुबह रशीद कंपाउंड से किन्नर समाज के लोग निकल रहे थे, इस दरमियान गुलशन शेख के कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित थे। किसी बात को लेकर ये दोनों ही गुटों में आपस में कहा सुनी हुई और उसके बाद गुलशन शेख के लोगों ने किन्नर समाज के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बुरी तरीके से ये लोग जख्मी हो गए, एक के सर पर कई टाके आए हैं तो दूसरे की नाक गंभीर रूप से चोटिल हो चुकी है। जानकारी के अनुसार लोहे की रॉड से ये हमला किया गया है। इस पूरे विषय पर किन्नर समाज के लोगों का क्या कुछ कहना है ये सुनिए। मेरा नाम तानिया है और मेरे साथ में परी थी और तनु थी, हम लोग मतलब कि काम पे निकल रही थी और ट्रैफिक था तो परी ने बोली भैया थोड़ा गाड़ी को साइड कर लो कि सब गाड़ी लेकर जाए। उसका बाद ने उस लड़के ने इनके साथ में बदतमीजी करने लगे, फिर हम लोग दूजन हम तनु उतर के और समझाने कि भैया ऐसा मत करो, बस उसी में जात पात के नाम ले लेने के तुम कौन सी कास्ट हो, हम बोल दिए हम हिंदू है भैया नीच जात है, मतलब कि अपने टाइटल बताए तो उसी पे बोले नीच जात साले बोल के हम लोग को मारने पीटने लगे। पास से गए, किसको फ़ोन किया, हम लोग को भागने का रास्ता भी नहीं था, गाड़ी भी सामने था, हम लोग निकल नहीं पाए, फिर 20-25 लड़के लोग आए, बहुत मार मारे, गुलशन शेख ने सब करा रही है, उसको साथ में सौरभ उसकी आदमी है, वो गाजा बेचती है, चर्स बेचती है, कभी भी किसी को भी जान लेती है, किसी को भी मोहरा बना के रखती है, उसका गुलामी करो तो सही, उसका गुलामी ना करो तो ऐसे सबके साथ में टॉर्चर करती है। गए 4 बजे से बैठी थी, अभी 7 बजने वाले, 7:30 बजे तक ले, अभी तक ले मुझसे मुझे मतलब कि पुलिस वाले ने टॉर्चर करके पूछ रहे गुलशन थे कि नहीं थे, थे कि नहीं थे, चूँकि मैं वो सब बता चुकी हूँ, गुलशन शेख ने थे, हम बताए कि गुलशन शेख ने थे, सौरभ ने था, लाला ने कराया सब, फिर भी वो बात को टॉर्चर कर रहे कि नहीं उसका नाम काटो नाम काटो, ऐसे करके आए, मैं FIR छोड़ के चली आई। मांग यही है कि कार्रवाई किया जाए उसको, उसको गाजा चर्स जो भी बेचती है कि किसी नाबालिग को बच्चे को ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ये सब गलत बात है। 6-7 साल के लड़की लोग पीते हैं, प्रूफ चाहिए तो हम दिलाने के लिए हूँ, कितना औरतों को घर बिखर गया वहाँ, कितनी उसकी गुलामी करते हैं कि मेरे आदमी को मत पिलाओ मत पिलाओ, फिर भी पिलाते हैं, क्या करना। वो हमेशा गांजा बेचती है, किसी को भी अपने आप को मोहरा बना के रखती है, उसका ना सुनो तो सबको मारती है। पुलिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, पुलिस में हमने 2 बार कंप्लेन किया, इसके पहले भी 1 बार किया, फिर उसके बाद भी कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ।
वो जो है पुलिस को पैसा दे देती है गुलशन शेख ने, वो दो दो तीन तीन आदमी को छोड़ी, जो उसके पीछे बोलता है उसको मार देती है, अपने आप को ब्लेड मार के, चाकू मार के अपने आप को वार करके चले जाती है, जो है कंप्लेन करके आती है, बोलती है देखो मुझे भी वो लोग मारे, अब मेरे सर में फट गया, मेरा टांका लगा है, मेरी बहन को मारा, जो है वो लोग 25-15-20 लोग हो गए, 15-20 जन थे सर, में जैसे बाल पकड़ा, देखिए मैं वीडियो भी बनाया, सब मेरे नाक में से खून, सब खून मेरे पास वीडियो भी है, अब बोले तो मैं दिखाती हूँ। फिर बोले कि पहले ये बोले तुम कौन सा कास्ट हो, हमने बोला हिंदू है, फिर कौन सा कास्ट, हमने बोला कि मतलब पता ना क्या बोले थे, पता कुछ बोले थे, तो हमने बोला कि टाइटल कौन था, हमने बोला कि हम चमार है, इसीलिए नीजा साला ही जड़े लोग गंदगी फैला रहे, इसको मारो मारो, और मतलब आए 15-20 जन हमको वहाँ से अटर, उधर भी सब खून खून, उधर हमको ऐसे बाल पकड़ पकड़ घिसड़ घिसड़ के हमको मार रहे थे वहाँ, यहाँ लड़ाई बस इसी बात की हुई है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई हुई है, एक दो बार हो चुका, क्योंकि एक बार झंडा के लिए झंडा लग रहा था हमारे एरिया में, ये झंडा नहीं लगाने दे रही थी हिंदू, ये राम का जी का लग रहा था, तो ये राम जी का झंडा नहीं लगाने दे रही थी, उस बार भी मार हुआ, फिर ये भी रामलला आए उस दिन, सबको झंडा लगाने का था, सब झंडा लगा रहे, तो हमारा झंडा भी नहीं लगाने दिए, उनका पोस्टर चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, उसको गंजा धंधा अफीम चरस बंद करवाइए मेरे एरिया से, क्योंकि उसको जो है उस जगह से हटवाइए, क्योंकि सरकार को यही मेरी मांग है, तो हम अपने लिए आत्महत्या कर लेंगे उसके के लिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसा टोर्चर करते रहेंगे, कितना दिन सहेंगे, जो हिंदू मुस्लिम जो हमेशा झगड़ा करती रहती है, तीसरी बार हो गया है, पुलिस लोग पूरी पब्लिक भरी उसकी डर के, उसकी खौफ से कोई पब्लिक नहीं बोलती है, मैं बता दिया 50 दिए, फिर भी प्रशासन नहीं जाते, प्रशासन क्यों नहीं जाते हैं, चौकी में उसका रिकॉर्ड निकलवाइए, प्रशासन को जाना चाहिए ना, वहाँ प्रशासन भगा देता है, तुरंत बोलता है जाओ 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 इधर से जाओ, उन लोग को पैसा मिलता है खाने को, बिके हुए हैं उनसे, गुलशन शेख से, गुलशन शेख ने खरीद रखा है उन लोग को, तो क्या सुनेंगे हम लोग गरीब का, हम लोग तो भीख मांग के खाने वाले, हाँ सुबह में हमारे यही सरकार से है कि हमारा इंसाफ दिलाओ, उसको अंदर करवाओ जेल में, सुबह में भी हम लोग आए पुलिस चौकी, तो पुलिस वाले बोले थे सबूत दिखाओ, ये दिखाओ दिखाओ, सब बुलेट चुरा था ये फलांट, हम लोग कैसे मान लिए, वो फलांट कहाँ जाओ, ये करके आओ करके आओ, अब तक हम लोग को रिपोर्ट नहीं, इधर प्यार भी नहीं लिखाया है ना, हम लोग भी आपसे ही मांग के खाते हैं, हम गली गली में एक एक रुपए मांगते हैं, दो दो रुपए मांगते हैं, बधाई लेते हैं, अरे में जात पात कोई नहीं, कोई भी रहे हमको कोई भी देता, हम उसका एक रुपए लेके खाते हैं, घर से भी खाऊंगे, क्योंकि मेरा कोई जात नहीं है, मुझे कोई हिंदू कोई मुस्लिम से हमसे कोई मतलब नहीं है, हम डोम का भी घर से खाती हूँ, और करोड़पति के घर से भी खाती हूँ, फुटपाथ वाला के घर से खाती हूँ, हमारा कोई धर्म नहीं है, मगर उसको धर्म लेके करती है, गलत बात है, फिम चरस गांजा बेच बेच के पूरा एरिया बर्बाद करके रखी है, पूरा आजू बाजू में बर्बाद करके रखी है, अफीम गांजा चरस जो है वहाँ उसको बंद करवाओ, उसको जो है पुलिस चौकी में कंप्लेन दो, तो कंप्लेन का सुनवाई कोई नहीं, वो लोग बिके हुए हैं तो क्या सुनवाई होगा हम लोग का, हमें रोड से मारे, सरिया से मारे, हमारा सर फट गया पूरा, टांके लगे हैं, 10 टांके लगे हुए हैं मेरे सर में, जो है हमको बहुत मारे, इधर मारे हैं, पूरे पैर में मारे हैं, हमें चलने को नहीं हो रहा, अभी हमने सीटी स्कैन करवा के आया हॉस्पिटल में, ये सब मारे हैं यहाँ पर, हमको इतना घर से ही सरिया ले लगाए थे सब लोग, ये मर सब मर मार मार तोड़ दिया, हाथ भी नहीं ऊपर हो रहे हैं, हमेशा उसे करते वो लड़ाई हिंदू मुस्लिम, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम तो कोई जात नहीं है, हाँ जात हूँ ठाकुर, मगर हम जात पात के लेते नहीं, फिर हम लोग अपने पे उतर जाएंगे, तो ना पुलिस को सुनेंगे, ना किसी कार्रवाई को सुनेंगे, हम लोग अपने से उतर के उनका हम इलाज करेंगे, मुझे यही मांग है, प्रशासन नहीं सुनेंगे, हमने लक्ष्मी त्रिपाठी को बुलाएंगे, गौरी सावन के बुलाएंगे, सब अपने डिपार्टमेंट वालों को बुलाएंगे, हमने अपना लेकर आएंगे, अपने पूरे भारत के किन्नर समाज को बिटोरेंगे, और फिर हम अपना वाली करेंगे, करती है हम लोग को, हम लोग कहीं जाते आते तो हम लोग को मारने पड़ती है, गाली देते हैं, मेरे बच्चे को भी मारने पड़ा था, 1 साल हो गया, हमारा कानून देता है, साथ नहीं देता, क्योंकि बम्बई के कानून अंधी कानून है, बताओ 4 बजे से 7:30 बजे तक लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, खाली मुझे टॉर्चर कर रहा है घड़ी घड़ी, गुलशन शेख थे कि नहीं थे, मैं घड़ी घड़ी वही बता रही हूँ कि है तो कितना मीटर पे थे, ये सब मतलब अदालत बनाए हो, बोलो चौके तो मैं एफ आई आर लो, अदालत नहीं ना है, अदालत में सब पूछताछ किया जाता है, बता दें कानून अब अंधा नहीं रहा, कानून को अंधा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले जो न्यायमूर्ति थी उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसके चलते पिक्चर्स में इस डायलॉग को इस्तेमाल किया जाता था कि कानून अंधा होता है, हालांकि अब न्यायमूर्ति के रूप में काफी परिवर्तन हुआ है, न्यायमूर्ति की आंखों से पट्टियां हटा दी गई हैं और अब कानून अंधा नहीं रहा है, कानून सब कुछ देख सकता है, अब ऐसे में देखना यह होगा कि पेल्हार पुलिस स्टेशन
किस तरह के कानून का इस्तेमाल करती है, क्या कानून की जो पहले परिभाषा थी कि कानून अंधा है, उस परिभाषा के तहत न्याय की प्रणाली चलती है, या फिर आज की जो परिभाषा है बदली हुई कि कानून सब कुछ देख सकता है और बराबरी का न्याय देता है, बराबरी का हिसाब करता है, उस परिभाषा के तहत न्याय देती है। इसके साथ आपने ये भी सुना कि किन्नर समाज ने किस तरीके से चेतावनी दी है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।